सप्लाइज वेलकम बैक टू एज के ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों के बाद मेरा ये टेक का वीडियो बना रहा हूँ किसी खास एक रीजन के लिए। सो फ्रेंड्स, आपको क्या मेरे वीडियो क्वालिटी में कुछ फर्क नजर आ रहा है? अगर आपको नजर आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, जब से मैंने ये स्टार्ट किया है तब से मुझे एक चीज़ का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और मेरे दोस्त कंप्लेन कर रहे हैं इसके बारे में कि क्वालिटी तो मेरा वीडियो क्वालिटी अच्छा है पर लाइटिंग काफ़ी पुअर है। सो फ्रेंड्स, उस लाइटिंग को ठीक करने के लिए मैंने मेरा ये कैमरा जो है कि कैनन का US 200D उसे मैंने परचेस किया, पर इसे परचेस करने के बाद भी क्वालिटी कुछ खास फर्क नहीं आया। सो फ्रेंड्स, फिर मुझे पता चला कि मेरा जो 18-55 ये लेंस है उसमें सिर्फ अपर्चर 4 है उसका, इसलिए लाइट उतना ज़्यादा नहीं आता। सो फ्रेंड्स, कुछ ही दिनों पहले मैंने कैनन के 50mm 1.8 के बारे में सुना और काफ़ी अच्छा लेंस है, काफ़ी चीप है और एक काफ़ी अच्छा मैजिक लेंस है और काफ़ी छोटा भी है। तो फ्रेंड्स, मैंने उसे परचेस कर लिया और आज मैं उसके प्रोस कॉन्स, उसका अनबॉक्सिंग, उसका रिव्यू सब कुछ दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये है कैनन का 50mm 1.8। आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से भी दिखा दूँ। आप देख सकते हैं कैनन का US 1.8। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ब्रांडिंग इसका है, 50mm 1.8। सो फ्रेंड्स, आज हम इसका ही अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं इसके प्रोस कॉन्स सब कुछ बताऊंगा विद फोटो सैंपल्स एंड वीडियो सैंपल्स। सो फ्रेंड्स, आप लोग देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शोमक, आप देख रहे हैं इसके ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, सो लेट्स चेक इट आउट। फ्रेंड्स, चलिए इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये कैनन के 50mm 1.8 का बॉक्स, आप देख सकते हैं। चलिए सब लोग सकते हैं, पर उससे पहले मैंने ये दोनों चीज़ें भी खरीदे हैं मैंने। आप देख सकते हैं, ये है इसका यूवी फिल्टर, काफ़ी चीप क्वालिटी का है, नॉन ब्रांड कंपनी का, 49mm का इसका डायमीटर है, उसके हिसाब से मैंने इसे खरीदा है। ये खरीदा है और ये हुड भी। सो फ्रेंड्स, मैं इसको बाद में अटैच करके आपको दिखाता हूँ। वारंटी कार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ये 50mm 1.8 और यहाँ पे 1+1 टू ईयर्स का वारंटी है, आप देख सकते हैं। पर लेंस के यूज़ के लिए हम इसे नहीं पड़ेंगे। लेंस है और बॉक्स के अंदर आपको इस ट्रे के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, हम इस बॉक्स को साइड में रखते हैं, ओपन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लेंस है, कितना छोटा है मेरे हाथ के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं, मैं एक हाथ में मैं इसे होल्ड कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड है पर काफ़ी प्रीमियम प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लेंस है ये, आप देख सकते हैं। इसका फ्रंट में आपको दिखा दूँ, यहाँ पर भी लिखा है कैनन EF लेंस 50mm f/1.8 STM, मतलब इसमें STM मोटर यूज़ किया गया है तो फोकसिंग काफ़ी साइलेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी छोटा लेंस है, ये एक प्राइम लेंस है, इसे हम जूम नहीं कर सकते। ये हमें फोकस रिंग मिलता है, तो फोकस अगर हम मैनुअल फोकस में इसको रखें तो हम इसका फोकस इससे एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक रेड कलर का डॉट है, आप देख सकते हैं, जब हम कैमरा को इससे लगाते हैं तो इसकी मदद से हम इसे देख सकते हैं कहाँ पर इसे लगाना है। सो फ्रेंड्स, मैं इसको ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये कितना वाइड है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना वाइड है ये। मैं इसको बंद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा लेंस नया है और मैं अभी इसे ख़राब नहीं करना चाहता, पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका बैक है। और इसका फ्रंट भी मैं आपको दिखा दूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका ओपनिंग कितना वाइड है, इसलिए इसका अपर्चर 1.8 है। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं इसको इस दोनों हमारे यूवी फिल्टर और हुड को लगा के आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले इस यूवी फिल्टर को लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको लगा दिया है। चल चलिए अब हुड को लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये ऐसा दिखता है हुड और इसके साथ। सो मैं अभी हुड को निकाल देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा है। चलिए इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसके फोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप फोटो क्वालिटी देख ही लीजिए इसका कैसा आता है। सो फ्रेंड्स, मैं इस कैनन की 50mm के कुछ प्रोज और कॉन्स बता दूं आप लोगों को। सो
सो फ्रेंड्स, इसका प्रोस फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये काफी चीप लेंस है। अच्छा, इसका अपर्चर 1.8 है, काफी लाइट आता है। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे जितना लाइट है, मैं उसी लेंस से शूट कर रहा हूँ अभी। और ये देखिए, आप देख सकते हैं ये इसका बॉक्स है, मैं इससे शूट कर रहा हूँ इसलिए आपको लेंस नहीं दिखा पा रहा। सो फ्रेंड्स, ये इसका बॉक्स है। सो फ्रेंड्स, ये काफी चीप लेंस है और काफी अच्छा है। ये चीप में सबसे बेस्ट लेंस है, मैं आपको कैनन की तरफ से काफी अच्छा लेंस है और ये काफी चीप है। 8000 के अंदर आपको ये मिल जाएगा और 8200 ऑनलाइन पे। सो फ्रेंड्स, ये इसका पहला पॉइंट हुआ। और इसका सेकंड प्रोज है, ये काफी छोटा है। सो फ्रेंड्स, ये मेरे हाथ में बैठ जाता है, इतना सा लेंस है। आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं और किसी भी कैमरा में ये लग जाता है, मतलब EF लेंस माउंट में लग जाता है। सो फ्रेंड्स, ये इसका सेकंड प्रोज है। और थर्ड प्रोज मैं कहूँ, इसका अपर्चर है काफी वाइड अपर्चर है, 1.8। लो लाइट कंडीशन में काफी अच्छा। मेरे इस रूम में आप देख सकते हैं इतने सारे बल्ब है, नहीं दिख रहे, पर इसमें 7-8 LED ट्यूब्स है और काफी सारे बल्ब है। पर अभी तक मैं 18% वाले लेंस से शूट करता था, इसलिए काफी लाइट एकदम ही मेरे फेस पे नहीं आता था, पर अभी आप देख सकते हैं कितना लाइट आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये इसका काफी खासियत है, फोटोग्राफी में भी काफी अच्छा है और वीडियो तो आप देख ही सकते हैं ये चल ही रहा है। सो फ्रेंड्स, ये इसका तीसरा प्रोस है। और चलिए इसके कॉन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका कॉन एक ही है कि ये प्राइम लेंस है, इसको हम जूम नहीं कर सकते। इसका एक फिक्स फोकल लेंथ है जो है 50mm। सो फ्रेंड्स, ये इसका सबसे बड़ा कॉन है। सो फ्रेंड्स, यही सब है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके फोटो सैंपल्स और वीडियो सैंपल्स देखते हैं। देख सकते हैं लाइटिंग वही है, मेरे सारे एलईडी लाइट्स बल्ब ट्यूब सभी चल रहे हैं, मैं वही खड़ा हूँ, कैमरा एंगल वही है, सिर्फ मैंने लेंस चेंज किया है 18-55 से। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रहा, मेरा फेस पूरा डार्क हो चुका है। यही देखिए 18-55 की क्वालिटी। सो फ्रेंड्स, लाइटिंग काफी है इस रूम में, पर मेरे बिल्कुल लाइट नहीं आ रहा। सो फ्रेंड्स, चलिए चेंज करते हैं इस 18-55 के 50mm के साथ। सो फ्रेंड्स, चेंजिंग इन 1, 2, 3। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने 18-55 को 50mm के साथ बदल दिया है और आप क्वालिटी देख ही सकते हैं उसमें मेरा फेस कितना डार्क आ रहा था और इसमें काफी ब्राइट है। ज्यादा तो नहीं कह दूंगा पर काफी ब्राइट है, आप देख सकते हैं क्वालिटी कितना चेंज हुआ है उस लेंस से। सो फ्रेंड्स, यही है इसका वीडियो क्वालिटी, आप देख सकते हैं काफी अच्छा लेंस है, फोटो कैमरा में भी और वीडियो में भी, आपने तो फोटो देखा ही होगा। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं इसका प्राइस भी आपको बता दूं। सो फ्रेंड्स, आप इसको 8000 से 8500 के रेंज में जरूर खरीद सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने इस कैनन के 50mm 1.8 का अनबॉक्सिंग किया, इसका रिव्यू दिया, इसके प्रोज और कॉन्स बताए और इसके फोटो सैंपल्स और वीडियो सैंपल्स के आपको दिखाए। सो फ्रेंड्स, ये काफी एक अफोर्डेबल लेंस है जो आप खरीद सकते हैं आपके DSLR के लिए, आपके मिररलेस के लिए, जो भी है आपके पास। सो फ्रेंड्स, ये काफी चीप है और सबसे अच्छा मैजिक लेंस है फोटोग्राफी के लिए भी और वीडियोग्राफी के लिए भी। इसका बस ये फोकल लेंथ आपको एडजस्ट करना होगा, बाकी सब ये एक कमाल का लेंस है। सो फ्रेंड्स, इस लेंस को आप बाय कर सकते हैं, नीचे बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो चैनल को मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसे भी आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फॉर नाउ, बाय बाय।